नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर अपडेट में। दोस्तों, समय तेजी से बदल रहा है। कुछ साल पहले खेती के तरफ युवाओं का रुझान बिल्कुल नहीं था, लेकिन अनाज एवं सब्जियों की बढ़ती मांग के कारण कृषि के क्षेत्र में करियर बनाने की असीम संभावनाएं हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कृषि के क्षेत्र में करियर की संपूर्ण जानकारी को देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि कृषि क्या है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं, इन कोर्स में एडमिशन करवाने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कोर्स को करने के बाद रोजगार की कितना संभावनाएं हैं, तथा कुछ महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों के बारे में भी जानेंगे जहां से आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सर्टिफिकेट डिग्री और मास्टर डिग्री तक के कोर्स को कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के रेड बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन, इंटरव्यू, टीप, करियर से संबंधित कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलते रहे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कृषि क्या है। बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सामग्री पूर्ति करने हेतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना ही कृषि कहलाती है। कृषि के अंतर्गत कई क्षेत्र आते हैं, जैसे डायरी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, पोल्ट्री एंड फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब क्षेत्र कृषि सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी बहुत से क्षेत्र हैं जो कृषि के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अब हम लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर मास्टर डिग्री तक की कोर्स कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कोर्स को जान लेते हैं। पहला कोर्स आपका है सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर साइंस। इस कोर्स को करने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसकी समय अवधि आपका 6 महीने की होती है। उसके बाद का कोर्स है आपका डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। इस कोर्स की समय अवधि आपकी 2 वर्ष की है। इसमें एडमिशन करवाने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी आप 10वीं उत्तीर्ण हैं तो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। उसके बाद की कोर्स है आपका डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट। इसकी समय अवधि 1 वर्ष की है। इस कोर्स में एडमिशन करवाने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक या इसके समकक्ष होनी चाहिए। दोस्तों, आप एग्रीकल्चर में BSc कर सकते हैं, यानी BSc इन एग्रीकल्चर। इस कोर्स की समय अवधि आपकी 4 वर्ष की है। BSc इन एग्रीकल्चर में एडमिशन करवाने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। आप एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, यानी MSc इन एग्रीकल्चर, जिसकी समय अवधि आपका 2 वर्ष की होती है। इसमें एडमिशन करवाने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए। इन कोर्स के अलावा आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक की भी कोर्स कर सकते हैं। इन सभी कोर्स की विस्तृत जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। प्रत्येक के लिए अलग अलग वीडियो बनी हुई है। दोस्तों, अब हम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में स्कोप की बात करते हैं। तो आप प्रतिष्ठित संस्थान जैसे FMCG, डायरी फार्म, FCI, डेवलपमेंट सेंटर में एग्रीकल्चर ऑफिसर, रिसर्चर, एग्जीक्यूटिव, सीड टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, जहां आपकी वार्षिक सैलरी 2 लाख से लेकर 5 लाख तक की हो सकती है। जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। चलिए अब हम लोग वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों को जान लेते हैं जहां से आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोर्स को कर सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पटना, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कोलकाता। इन सब संस्थानों के अलावा भी आपके राज्य में बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज है जहां से इन कोर्सेज को करवाए जाते हैं। वहां भी आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में कोर्स को कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्रीकल्चर में होने वाले संभावना के बारे में जान गए होंगे और इसके कोर्सेज को भी जान गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज में वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई करियर कोर्सेज की जानकारी के साथ, एक नई रिक्रूटमेंट के साथ, एक नई करियर अपॉर्चुनिटी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।